चलिए इसी बीच उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बच्चा चुराने के प्रयास कर रहे किन्नर को लोगों ने पकड़ा है। लोगों ने किन्नर की जमकर धुनाई कर दी है और पुलिस के हवाले किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हाथीपोल थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। किन्नर की धुनाई का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। MB हॉस्पिटल की सुरक्षा पर एक बार फिर से इसी के साथ सवाल उठने शुरू हो गए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहाँ पर लोग उसकी पिटाई करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उसकी जमकर पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लोगों को ये शक था कि ये किन्नर बच्चा चोरी की करने की फिराक में था और लोगों के हत्थे चढ़ गया। उसके बाद लोगों ने जमकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। तो राजस्थान में लगातार बच्चा चोरी की घटनाओं को देखने के बाद अब लोग जो हैं जागरूक हुए हैं और इस तरह से संदिग्ध गतिविधियों को देखते ही लोग चौकन्ने हो जाते हैं। और यही वजह है कि जब इस किन्नर पर लोगों को शक हुआ तो उसे धर दबोचा गया। हालांकि उसके साथ जमकर मारपीट की गई और पुलिस के हवाले बाद में किया गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानने समझने की कोशिश है कि आखिर ये जो शख्स है ये किस नियत से यहां पर घूम रहा था। अविनाश जगनावत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, क्या कोई जानकारी मिली है पुलिस से आप पूछताछ में? जी देखिए, उदयपुर का जो MP हॉस्पिटल है, संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, और यहां पे एक किन्नर को संदिग्ध अवस्था में लोगों ने पकड़ा, जो बच्चा चुराने का प्रयास जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जाके कर रहा था। और जब लोगों को इस पर आशंका हुई तो पहले किन्नर को पकड़ा और फिर उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद में हाथीपोल हॉस्पिटल चौकी को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस किन्नर से जो है वो विस्तार से पूछताछ कर रही है। बड़ा मामला ये इसलिए है कि लगातार हॉस्पिटल से बच्चों के चोरी होने के मामले सामने आते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो है वो MP हॉस्पिटल में लगाए हुए हैं और बावजूद उसमें अगर इस तरह से संदिग्ध एक व्यक्ति अंदर जाके और बच्चे को चुराने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं उनके ऊपर भी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। और साथ ही साथ संबंधित जो एजेंसी है वो किस तरह से गंभीरता से काम कर रही है, तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। लेकिन पुलिस किन्नर से पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है कि आखिर वो किस कारण से बच्चा चुरा चोरी करने का प्रयास कर रहा था, उसकी इसके पीछे मंशा क्या थी। जी चलिए, शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर पाली से है, जहां जिला मुख्यालय पर जवाई